नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। जो है वो नहीं थमी थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि आरिफ अलवी हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका ने उसामा बिन लादन को शहीद बना दिया। और वैसे वो ये कहते हैं कि अलकायदा एक दहशतगर्द जमात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि उसामा को अमेरिका ने शहीद बना दिया। किस तरह, मैंने इन्होंने भी रिसेंटली एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ एंड देन वी विल टॉक ऑन दैट। उसामा बिन लादेन शहीद है कि नहीं है? अलकायदा एक दहशतगर्द तंजीम थी। आप क्या समझते हैं, उसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं है, या आप समझते हैं कि नॉन इश्यू है उसको शहीद करार देना? मेरा इशू नहीं है। पाकिस्तान का स्टेटेड स्टैंड हमेशा रहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ कि उसामा बिन लादेन को ट्राई तो करना चाहिए था ना। तो यानी कि उसामा बिन लादेन फिर दहशतगर्द हुआ, शहीद तो ना हुआ? ट्रायल हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। मारा, उसकी लाश भी नमूदार नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसको शहीद बनाया है, अमरीका ने। अमरीका ने। वजीर दाखिला के इस बयान के बारे में आप क्या कहते हैं? जी, ये और भी थोड़ा इसमें था, लेकिन मेरे लिए यही पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि ये मेरे लिए इश्यू ही कोई नहीं है। मतलब ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। ऑब्वियसली जिन लोगों को पता है और जिनको नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है एंड ही प्रेसिडेंट आरएफ साहब, डॉक्टर साहब जो है, ही रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ पाकिस्तान and he is the commander in chief of the armed forces माज़र चाहता हूँ, as per the law। और अब ये clarity हमें चाहिए, as a state clarity चाहिए, as a society clarity चाहिए कि भाई वो लोग जो जिन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों को शहीद किया उनके बारे में क्या कहना। उन्होंने कहा जी उसामा बिन लादन के बारे में, उनकी पार्टी के बारे में तो वो कहते हैं कि वो दहशतगर्द जमात है, ऑब्वियसली क्योंकि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने उसको दहशतगर्द करार दिया। लेकिन क्योंकि उसामा का जो कॉन्टेक्स्ट है, उसामा की जो बात है, वो क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, अलकायदा को उस तरह लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते, उसको एक और डिस्कशन है, लेकिन क्योंकि उसामा बिन लादेन को सारी दुनिया जानती है, सो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बचा के निकलना चाहती है ताकि शायद कहीं पे हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे हमारा जो वोटर सपोर्टर है वो नाराज हो जाए। सो पहले तो उन्होंने कहा कि ये मेरा इश्यू नहीं है। मतलब इट शुड बी योर इश्यू सर, बिकॉज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ के पावर में आए हैं, आपने पहले इलेक्शन लड़ा, फिर आपने अपनी सीट छोड़ दी और फिर आप प्रेसिडेंसी में आए। यू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड और यू हैव बीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड ऑफ द कंट्री इन द पास्ट एंड आप कराची से हैं सर, और ऑब्वियसली द एंटायर कंट्री रियली वॉन्ट्स टू नो दैट कि हमारी जो पोलिटिकल पार्टी जो रूलिंग है, वट काइंड ऑफ अ परस्पेक्टिव दे हैव। सो जो बात इमरान खान साहब ने की वही ऑलमोस्ट ये करने की कोशिश करते हैं ताकि कंफ्यूजन जितनी ज्यादा रहे वो रहे। अब बात आ गई ट्रायल की। ट्रायल भी एक कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली ट्रायल, लेकिन जिस अंदाज से वो पकड़ा गया, जिस अंदाज से वो अमेरिकन आए और जिस अंदाज से वो मिलते ही नहीं था, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं करता था, मोबाइल यूज नहीं करता था, बड़ा मुश्किल से उन्होंने उसको बनाया। आपको याद है कि उस वक्त पाकिस्तान में एक डॉक्टर है शकील अफरीदी, उन्होंने मेरा ख्याल है सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके तहत जो है वो पोलियो वैक्सीनेशन पिलाने का कोई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट था, और बेसिकली सेव द चिल्ड्रन, वो जो डॉक्टर शकील थे ही वाज वर्किंग फॉर द अमेरिकन्स, और सेव द चिल्ड्रन वाज अ कवर प्रोजेक्ट, इसीलिए आई थिंक सेव द चिल्ड्रन को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। और अंडर खाते क्या हो रहा था कि वो सारे डीएनए टेस्ट और उस तरह की चीजें चेक करना चाह रहे थे कि हमें पता चले कि क्या वो इस इलाके में है या उसकी कोई औलाद या कोई बच्चे इस इलाके में मौजूद है। तो वो ऑब्वियसली अमेरिकन को क्लू मिल गया था, लेकिन वो शकील अफरीदी इज इन जेल फॉर लाइफ टर्म, आई थिंक 33 years और सो, तो वो एक है। देन ट्रायल की बात होती है कि जो ट्रायल है वो होना चाहिए था।
ये एक पॉइंट है, लेकिन जिस हालात में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो मिलता नहीं था, या ऑब्वियसली वो टारगेट हाई वैल्यू टारगेट था, तो उसके लिए वो डेड एंड अलाइव की बात होती है कि वो उन्होंने जिस तरह भी पकड़ना था तो वो तो उनको पकड़ना था। अब आ गई कि जी उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई। भाई डेड बॉडी दिखाना या ना दिखाना, आई थिंक दैट वॉज देयर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अलवी का यह बयान है कि उनसे पूछा गया कि आप उसामा बिन लादेन को शहीद मानते हैं या नहीं मानते, तो उन्होंने बोल दिया कि उस पर एक अलग बहस हो सकती है। आपने सुना पूरा बयान दोस्तों। हालांकि पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं, अगर इंडिया का सैनिक मरे तो उसको वो शहीद नहीं कहते, क्योंकि काफिर शहीद होते ही नहीं है इस्लाम के अनुसार, ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं। हालांकि आपने इंडिया में देखा होगा, जब ये इस तरीके की चीज़ें हमें पता नहीं थी तो हम भी शहीद आज़म भगत सिंह, शहीद फौजी, ये वो, लेकिन अब लोग जब मुस्लिम ऐसा सोचते हैं तो हम भी, मतलब ये शहीद और वीरगति में फ़र्क क्या है? आपको भी पता है जो लड़ते लड़ते मतलब मरे इज्जत के साथ, उनको शहीद कहते हैं। तो हमने हिंदी का वर्ड यूज़ करने लगे वीरगति, अब वो उर्दू में शहीद हो गया। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम स्पेशली ऐसा सोचते हैं कि काफिर कभी शहीद नहीं होते, इस तरीके की सोच है इनके अंदर, तो आप वीरगति यूज़ करने लगे। आपने देखा होगा आजकल मोस्टली जो बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट हैं वो वीरगति यूज़ करने लगे। तो वीरगति तो इनका मतलब ये है कि भैया जो उसामा बिन लादेन है वो शहीद है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता ये यूएस कर क्या रहा है। यूएस को लेना चाहिए इनके खिलाफ़ कोई अच्छा एक्शन। हालांकि मुझे लगता है यूएस को सब कुछ पता होते हुए भी वो आंख बंद करे हुए है। यूएस को पता है कि अमेरिका को धोखा देकर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान छुपाए हुए था, वो तो एजेंसी से पता चल गया कि वो यहाँ पर है और उन्होंने घुसकर मार दिया। यूएस ही जिम्मेदार है, मतलब यूएस मेन जो तालिबान का सपोर्टर है सबसे बड़ा वो पाकिस्तान है। ये लोग खुलेआम कहते हैं तालिबान इज़ अवर गार्जियन, ऐसे ट्वीट पाकिस्तान के ट्विटर सेक्शन में ट्रेंड करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता अमेरिका को कुछ रिवेंज लेना चाहिए, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को इतने दिन तक उन्होंने, मतलब 2011 में मरा था, 11 साल छुपाए हुए थे। अब पता नहीं 11 साल में कितने साल छुपाए हुए थे, ये लोग छुपाए हुए थे, प्रोटेक्शन दिए हुए थे, वो तो पता चल गया तो उन्होंने मार दिया। अब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ भी ऐसा कुछ बयान दे चुके हैं यूएस मतलब तालिबान को लेकर, उसामा बिन लादेन को लेकर। अब इनके शाह महमूद कुरैशी ने भी, विदेश मंत्री ने भी ऐसा बयान दिया। इमरान खान जो कि चलो ठीक है बैकग्राउंड इनका क्रिकेटर का है, लेकिन उनकी भी एक जिहादी सोच सामने आ ही जाती है। उन्होंने भी ऐसा कुछ बयान दिया था पाकिस्तान की संसद में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें, अमेरिका को कुछ इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो खुलेआम सपोर्ट करते हैं मतलब इन लोगों का।